वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ हमारा 21x44। जो इसकी फ्रंट है वो हमारी 21 फीट है और जो इसकी बैक है वो हमारी 14 फीट 3 इंच है। उसकी जो डेप्थ है वो हमारी 44 फीट 3 इंच है। इसको स्टार्ट करते हैं। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 2 BHK सेट, 2 BHK सेट है इनकी रिक्वायरमेंट, यानी कि 2 बेडरूम होना चाहिए इनको। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको भी अपना मैप बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। हमारे फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपका मैप आपको 24 आवर्स में दे देते हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पोर्च है, इसका साइज़ है हमारा 7 फीट 9 इंच बाय 16 फीट 6 इंच का हमने पोर्च दिया हुआ है। इसी के साथ आपको देखने को मिलता है इसमें स्टेयरकेस, जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर लेकर जाएगा। ये हमने 3 फीट का दिया हुआ है। पोर्च के राइट साइड आते हैं तो आपको देखने को मिलता है ड्राइंग रूम, जिसका डोर हमने यहाँ से 3 फीट 3 इंच का दिया हुआ है। ड्राइंग रूम का साइज़ है हमारा 9 फीट बाय 11 फीट का हमने ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। अब आप पोर्च के आगे जाते हैं तो आपको ये 4 फीट की डोर देखने को मिलती है। आप इससे अंदर एंट्री करते हैं। जैसे आप अंदर एंट्री करते हैं आपको सामने देखने को मिलती है लोबी, 13 फीट 9 इंच बाय 9 फीट के हमने यहाँ पर लोबी दी हुई है। लोबी के आपको लेफ्ट तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड आपको देखने को मिलता है किचन, जिसका डोर हमने यहाँ से 2.5 फीट का दिया हुआ है। किचन का साइज़ है हमारा 6 फीट बाय 9 फीट का हमने किचन बनाया हुआ है। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर बीच में विंडो भी लगा दी है ताकि यहाँ इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। इसी के साथ आपको इसमें एल साइज की स्लेब भी देखने को मिलती है। और लोबी के आपको राइट साइड जैसे ही आप आते हैं तो आपको देखने को मिलती है टॉयलेट, जिसका डोर हमने यहाँ से 2.5 फीट का दिया हुआ है। टॉयलेट का साइज़ हमारा 7 फीट बाय 6 फीट 4 इंच के हमने टॉयलेट बनाई हुई है। आप चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो ये रहा हमारा फर्स्ट बेडरूम, इसका डोर हमने यहाँ से 3.5 फीट का दिया हुआ है। फर्स्ट बेडरूम का हमारा साइज़ है 13 फीट बाय 14 फीट 7 इंच का हमने बेडरूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है बीच 5 फीट की विंडो, जो कि हमने दी हुई है इसके वेंटिलेशन के लिए ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। और इसी के साथ आपको इसमें लास्ट में आपको देखने को मिलती है अलमीरा, जो कि हमने यहाँ पर दी हुई है। आप चलते हैं सेकेंड बेडरूम पर। तो जैसे आप सेकेंड बेडरूम पर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है ये डोर, आप यहाँ से एंट्री करते हैं। इस बेडरूम का साइज़ है हमारा 13 फीट बाय 11 फीट 7 इंच का हमने बेडरूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको इसमें अटैच देखने को मिलता है स्टोर रूम, इसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। स्टोर रूम का हमने साइज़ दिया हुआ है यहाँ पर 3 फीट 2 इंच बाय 11 फीट का हमने स्टोर रूम बनाया हुआ है। बात करें कि इस बेडरूम का वेंटिलेशन की, तो उसके लिए हमने यहाँ पर विंडो दे दी है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। तो 21x44 के प्लान में मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी कुछ बता दिया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे मैच हो रही हैं तो आप इससे कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको फुलफिल करके आपको सेंड कर देते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।